जय श्री राधे जी। वेलकम टू गेस्ट रूम। कई दफ़े आप देखते होंगे कि आपकी एक या दोनों हथेली में सूर्य की रेखा और आपकी भाग्य रेखा या शनि की स्वतंत्र रेखा आके आपस में मिल जाती है। इनका मिलना आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और अगर शुभ है तो कैसे और अशुभ है तो कैसे, ये कैसे बनता है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सन, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी रिंग यानी कि अनामिका फिंगर के नीचे का जो माउंट होता है ये आपके सन का माउंट होता है। यहाँ पे जो भी रेखा होती है इससे पता चलता है कि सन यानी कि सूर्य का आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव है, आपके लिए किस हद तक अच्छे हैं या कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का कारण बन रहे हैं, या यहाँ पर कौन से सिंबल हैं जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आपके लिए और बेहतर गुणों को बढ़ाने वाले हैं या अवगुणों को बढ़ाने वाले हैं, मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं या अपमान की स्थिति को पैदा करने वाले हैं, जलालत की स्थिति को पैदा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कई सारी रेखाएं होती है जिसमें सूर्य की अपनी निजी रेखा भी होती है। अगर सूर्य की रेखा किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती है और ये जितना बेहतर होता है, जितना बड़ा होता है, जितना ज्यादा दूषित होने से बचा होता है यानी कि निष्कलंक होता है, वो उतना ज्यादा जातक के लिए बेहतर अवसरों को प्रदान करने का कार्य करता है और जातक के लिए बेहतर अवसरों को लाने का काम करता है। अब देखो सूर्य की रेखा यहाँ पर क्या होगी। सामान्य तौर पे अगर आप जाएंगे सूर्य रेखा के विषय में जानने के लिए, तो सबसे पहले संक्षेप में बता दूं कि आपके केतु के क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी हथेली है जिसमें पूर्ण सूर्य रेखा उदित अवस्था में आपको दिख जाएगी। नहीं तो अधिकतर हथेली में ये बहुत ही छोटे भाग में यहाँ पर अवस्थित दिखेगी, या कुछ हथेली में आपके हृदय रेखा को चीरती हुई नीचे तक आएगी। इसके अलावा कुछ हथेली में देखेंगे कि छिन्न भिन्न अवस्था में यानी कि टूटी बिखरी अवस्था में खंडित अवस्था में नीचे तक आई रहेगी। अगर कोई सीधी है, बिल्कुल पुष्ट है, अगर कहीं से भी कोई खंडन नहीं है, कोई बुरी रेखा इसके आसपास नहीं बनी है, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर काम करेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पेड़ है, पेड़ में किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगा है, कोई रोग नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है और बिल्कुल सीधी है, तो कितनी बेहतरीन होगी। वहीं पर अगर मान लो कि उसमें बहुत सारे कीड़े लगे हैं, जगह जगह से कटा फटा है, तो उसका विकास कैसा होगा। इसी तरीके से इसका भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है। तो जब एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आपकी सूर्य रेखा सामान्य से यानी कि जो सामान्य स्थिति है आपके हृदय रेखा के अंदर अंदर तक उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है और आपके हृदय रेखा से नीचे और मस्तिष्क रेखा के नीचे तक आती आती छोटी पड़ती चली जाती है, और वहीं ठीक बगल से दो रेखाएं निकलती है। एक अगर आपकी शनि की रेखा है जो बिरले लोगों की हथेली में आपको दिख जाएगी, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और इस मध्य के क्षेत्र तक आके अधिकांशतः खत्म हो जाती है, और यहाँ से भाग्य रेखा के सहारे वो अपने आप को जीवित महसूस करती है। जैसे कि आप संगम में जाएंगे प्रयाग में, तो वहां पर आपको सरस्वती की धारा दिखाई देगी और जगह आपको बिल्कुल विलीन रूप से यानी कि अदृश्य रूप से वो चलती हुई वहां पे होती है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर शनि की रेखा है अदृश्य रूप से भाग्य रेखा के साथ अगर ये मजबूत है तो, और इसका अंतिम सिरा सजीव होके भाग्य रेखा में मिला है तो, उसी आधार पे आप इसको जागृत मान सकते हैं और अदृश्य अवस्था में इसको यहाँ पर जिंदा माना जा सकता है। उसके देखने की उसकी विवेचना बड़ी गहरी होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। सामान्य लोगों के लिए उन चीजों को समझ पाना काफी मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या है कि ये रेखा मान लो भाग्य रेखा के सहारे नीचे तक चलती चली आती है और आपस में मिल जाती है। जब ये आपस में मिलेगी तो एक भी के जैसी आकृति का यहाँ पर निर्माण होगा। ये अगर किसी भी प्रकार से कहीं ना ए रेखा ना ए रेखा अगर खंडित है, तो ऐसी स्थिति जातक के एक बेहतर भविष्य को दर्शाती है, और जातक जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा होगा वो जन्मजात विलक्षण गुणों से युक्त होगा। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कर जाएगा जिसका प्रभाव बहुत ही बृहद होगा और जिसका प्रभाव एक छोटे से स्थान से निकल के वैश्विक रूप से स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। ऐसे लोग शासन प्रशासन के क्षेत्रों में बड़ी ही तीव्र प्रगति करते हैं और बहुत ही ऊंचे पद तक चलते चले जाते हैं और उसे सुशोभित करने का काम करते हैं। ऐसे लोग काफी तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और हरेक विकट अवसरों को शुभ अवसर में तब्दील करने में महारत हासिल रखते हैं। दिमाग के बड़े पैने होते हैं, बुरे से बुरे अवसरों को अपने हक में बेहतर रूप से इस्तेमाल करना जानते हैं। ये मौकों को बनाने का काम करते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कहो कि कोई बिजनेस कर लो, फलाने का बिजनेस कर लो, तो नहीं यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से है।
ये क्या करते हैं, आपकी जरूरत पैदा करते हैं। जो आपको ऑलरेडी जरूरत है उसकी सप्लाई नहीं करना है, उसमें तो बहुत सारे कंपटीटर है, ये आपकी आपके लिए जरूरत पैदा कर देंगे और फिर उसकी सप्लाई करेंगे। ऐसी सिचुएशन को बना देते हैं। मार्केट बनाना जिसे कहते हैं उसके गुण इनमें होते हैं। राजनीति में, शासन प्रशासन के क्षेत्रों में, पुलिस विभाग में, बड़े बड़े दलालों के रूप में, इन सब कार्यों में ये काफी तीव्र प्रगति करते हैं और बड़े बड़े स्तर तक चलते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी अगर आपकी रेखाएं खंडित होगी तो वैसी अवस्था में जातक के जीवन में खास खास उम्र में वैसे वैसे विकट पड़ाव आएंगे जहां ये लोग भी फंसेंगे, जहां इनके लिए भी परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएगी। लेकिन अगर रेखाएं मजबूत हैं, ऊपर से अगर शनि की रेखाएं सजीव अवस्था में अगर भाग्य रेखा के साथ मिली हुई है तो ऐसी अवस्था में ये निश्चित तौर पर फिर से आपको जीत दिलाने का काम करेगी। अब यहाँ पर एक दिलचस्प तथ्य है कि मान लो शनि की रेखा है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, और भाग्य रेखा से ही ये मिल गई है और भाग्य रेखा ऊपर तक चलती चली गई है और हृदय रेखा से मिल गई है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, किस्मत का भी अनवरत साथ मिलेगा। शनि की रेखा यहाँ पर होने से क्या हो जाता है कि व्यक्ति विश्व विजयी हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि कुछ गलत भी करेंगे फिर भी नहीं फंसेंगे, फिर भी इनके लिए सिचुएशन बहुत ही अच्छा रहेगा। इनका बाहुबल इतना तीव्र होगा, इनका तेज इतना जबरदस्त होगा कि लोग देखते ही आके चौंधिया जाएंगे, हरा पाना किसी भी तरीके से संभव दिखेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर भाग्य रेखा रहेगी तो कहीं ना कहीं संयमित रहेंगे, कहीं ना कहीं ये अपनी हद जानने वाले होंगे और कहीं ना कहीं बच बच के चलने वाले होंगे, लेकिन शक्तियां उतनी ही प्राप्त होगी, सफलता उतनी ही प्राप्त होगी। इसमें कहीं से भी कोई दो मत की स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य की जो रेखा है, यहाँ पर सूर्य की ये पर्वत क्षेत्र कैसा है, इसका उभार कैसा है, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि व्यक्ति जहाँ पर होगा उस जगह को कितना ज़्यादा अपने अधिकार क्षेत्र में करेगा। एक ही जगह पे अड़के रह जाएगा या काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव फैलाने का काम करेगा। यहाँ पर उपस्थित रेखाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि उनके लिए अड़चनें कितनी आएंगी या उनके लिए बेहतर माहौल कितने ज़्यादा तैयार होते चले जाएंगे। एक से ज़्यादा रेखाओं की स्थिति जब यहाँ पर बनेगी, अगर सिचुएशन ऐसी हो तो इस जातक के लिए भी सुंदर है। लेकिन अगर इसमें बहुत सारी अर्धव रेखाओं की स्थिति बनी, यानी कि नीचे की तरफ जाती रेखाओं की बने बिना इसे छुए हुए, तो फिर नुकसान की गारंटी है। फायदा भी होगा, आएगा भी जाएगा भी, लेकिन यहीं पर ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति बनती है जो ऊपरगामी है, ऊपर की तरफ जाती है, तो वो फायदे की स्थिति को दर्शाने का काम करेगी। अब यहीं पर वर्ग का हो जाए, यानी कि स्क्वायर हो जाए, ट्राइडेंट हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, तो ये सिचुएशन आपकी जो रेखा है ना और जो पर्वत क्षेत्र है उसके गुणों को बढ़ाने का काम करेगी, फिर यहाँ पे लाभ होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपके लिए जाले की स्थिति बन जाती है या कोई यव रेखा की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति क्रॉस की स्थिति बन जाती है ऐसी सिचुएशन में, तो आपके लिए नुकसान का काम करेगा। वहीं पर शनि के क्षेत्र में देखें, चूंकि अगर भाग्य रेखा गई है और हृदय रेखा के साथ यहाँ पर एक विष्णु सिंबल की स्थिति बन पड़ी है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुफल देने वाला। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ गई है और यहाँ पर विष्णु सिंबल दो मुखी अवस्था में स्वतंत्र रूप से अवस्थित है, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ऐसी स्थिति में जातक विभिन्न प्रकार की सफलताओं को अजेय अवस्था में प्राप्त करने की स्थिति में होगा, कोई हराएगा नहीं, लगातार जीत को प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प तथ्य है कि अगर मान लो यहाँ पर जुपिटर की सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल हो, आर्य तिरछी रेखाएं पूर्ण रूप से यहाँ पर कार्य कर रही हो, तो क्या होगा, जातक की नियति उसे परेशान करेगी, उसकी डेस्टिनी बार बार उसे पीछे की तरफ खींचेगी, बार बार सफलता उसे मिलेगी लेकिन उसके पीछे पीछे विवाद चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी रहेगी, जिंदगी उसकी आसान नहीं होगी, यहां पे हमेशा उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे लोग। वहीं पर ऐसे कोई विकार यहां पर ना हो, क्रॉस का चिन्ह हो, किसी का मजाल नहीं है कि आपके ऊपर कुछ लगा दे और जीत जाए, आप अजेय अवस्था में रहेंगे उस समय, तो ऐसे सुगुणों को का विकास करने का यह काम करता है। वहीं पर रेखाएं टूट जाएंगी तो उसके अनुरूप उसके जो शुभ फल है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इन रेखाओं का काफी सूक्ष्म विश्लेषण अनिवार्य है। आपके लकीरें आपके जीवन के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर देती है, इनफैक्ट कि
जो हस्त की रेखाएं होती है ना, या कोई भी जो भी ज्योतिषी है, यानी कि ज्योतिष की जो विधाएं हैं, आपकी कुंडली का हो जाए, टैरो कार्ड हो जाए, हॉरोस्कोप, इसके अलावा आपकी हस्त रेखा हो जाए, ये सब क्या है बताने के लिए कि कौन सा रास्ता सही है, कहाँ पर गलत जा रहे हैं। थोड़ा सा सही हो जाओ, ट्रैक पे आ जाओगे। ये कर लो, ट्रैक पे आ जाओगे। मान लो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है, बस थोड़ी सी कमी हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि करोड़ों की कार है, सिर्फ हवा नहीं है उसके टायर में, बेकार है। उसी तरीके से कई बार क्या होता है, बड़ी सूक्ष्म गलतियां हो रही होती हैं, लेकिन उसके बड़े बड़े नुकसान आपके जीवन में हो रहे होते हैं। उन्हें पहचानो, ये सब उसमें आपके पहचानने का काम करते हैं, आपको सही रास्ता बताने का काम करते हैं। होने को कोई नहीं टालता, लेकिन कर्म आपके हाथ में होते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ज्योतिष करी सुत सफल चाखा। मिलते हैं फिर तब तक के लिए, जय जय श्री राधे।